सोलन में सरकारी चालक और निजी बस परिचालक में समय को लेकर हुई बहसबाजी के बाद निजी बस परिचालक के द्वारा नोकीली चीज से चालक पर हमला किया दिया गया, जिसकी वजह से चालक के सर पर गहरी चोटें आई हैं। चालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और निजी बस चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। कोविड के चलते सवारियों की भारी कमी देखी जा रही थी। कम सवारियां होने पर बसों का खर्च नहीं निकल पा रहा था, जिसके चलते सवारियों के इंतजार में बसें निर्धारित समय से नहीं चल रही थी। यही देरी आजकल विवाद का कारण बन गई। आज भी ऐसा ही हुआ, जब पुराने बस अड्डे सोलन पर निजी बस चालक को निर्धारित समय पर सवारियां नहीं मिली तो वे कुछ और देर बस स्टैंड पर सवारियों का इंतजार करने खड़ा रहा, लेकिन इतने में सरकारी बस का समय हो गया। सरकारी बस चालक ने निजी बस चालक को जाने के लिए कहा तो दोनों में विवाद हो गया और हाथापाई भी शुरू हो गई। सरकारी बस चालक मान सिंह ठाकुर ने बताया कि वे हिमाचल बस चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जब इस तरह की घटना उनके साथ हो रही है तो आम चालक और परिचालक के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि बस के समय को लेकर निजी बस चालकों के साथ सरकारी कर्मचारियों का टकराव रहता है। निजी बस चालक परिचालक स्थानीय होने के कारण उनके साथ मारपीट भी करते हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि दोषी परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह की घटना को कोई अंजाम ना दे सके। ये सर विवाद जो हुआ है टाइम टेबल को लेकर हुआ और मैं लोकल यूनिट HRTC में ड्राइवर तैनात हूँ और सवेरे हम 8:10 AM पे लोकल बस स्टैंड शिमला से चले और 10 बजे पुराना बस स्टैंड सोलन पहुँचे। जो हमारा टाइम जो 10:05 का है और कैप्टन कोच बस हमारे से आगे चलती है उसका टाइम है 9:58 का। 10:03 पे हमारे कंडक्टर ने उसको बोला चलने को, तब भी नहीं वो चला। जब मैंने बोला यार चल तो उसने बोला नीचे आ जा। जब मैं नीचे गया तो उसने डिक्की की कुंडी निकाल के मेरे सिर पे सीधी मार दी, लोहे की कुंडी। हमारा टाइम जो 10:05 का है उसका टाइम 9:58 का है। जब 10:03 वो बस स्टैंड के अंदर ही कर देगा तो 2 मिनट में हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमने टाइम के लिए बोला भाई आप चल पड़ो। उसी वजह से पता नहीं उसको रजबाजी क्या थी, क्या उसके मन में था, क्या ही दोबारा। और रोज आगे हमारे आगे रोज 10:03, 4, 10:05 पे वो निकलता है, 10:05 पे हम निकलते हैं। तो हर रास्ते में लड़ाई होती है, गाड़ी घोड़ाता है, फिर साइडें मारता है, पास नहीं देना, रोज का काम हो गया उसको। आपको ये भी बताना चाहता हूँ मैं हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन का स्टेट प्रेजिडेंट होने के नाते हमारा ड्राइवर जो है वो जगह जगह, कोई हमीरपुर का ड्राइवर शिमला में है, कोई शिमला का ड्राइवर चंबा में है, कोई चंबा का ड्राइवर जो रोडू में कांगबीओ में काम कर रहा है, हमारे ड्राइवरों गवर्नमेंट ड्राइवर कंडक्टर को जितने भी हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और लोकलिटी का दबाव बनाया जाता है और इसी प्रकार से हमले किए जाते हैं। ये बहुत ही दुखदायी बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। हमारा ड्राइवर कंडक्टर जो है आज इन घटनाओं से बहुत दुखी है, बहुत भयभीत है। नौकरी करना हमारे ड्राइवर कंडक्टर को बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए मैं प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि एक स्टेट प्रेसिडेंट से इतनी बड़ी बात हो रही है तो एक आम ड्राइवर, हमारा जो ड्राइवर कंडक्टर है रोडू में बैठा है, रंगपीओ में बैठा है, काजा में बैठा है, मनाली में बैठा है, चंबा में बैठा है, उसके साथ क्या व्यवहार होता होगा। प्रशासन से मैं यही न्याय की उम्मीद करता हूँ कि हमें न्याय मिले, इनको समय पे टाइम के हिसाब से निकाला जाए और हमारी जो सेफ्टी हमारे को दी जाए। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए एक एक्ट बनाए, मेडी पर्सन एक्ट, तो एक्ट जो है हमारे ड्राइवर कंडक्टरों के ऊपर भी लागू हो। वहीं निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष मेहता रविंद्र सिंह ने इस घटना पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि कुछ चालक परिचालक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और सभी निजी चालक और परिचालकों की छवि को भी खराब करते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि जो भी इस तरह की घटना में दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर बड़े अनुशासन के साथ और जिम्मेवारी के साथ हिमाचल प्रदेश में परिवहन की सुविधा प्रदान कर रहा है आम जनता को। ये जो आज की घटना है अगर हम इस बारे में बात करें तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो निजी बस ऑपरेटर के परिचालक ने जो भी HRTC के चालक के साथ मारपीट की है, तो जहाँ तक इस मारपीट की बात कहें तो ये बहुत गलत है।
इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और हिमाचल के तमाम निजी बस ऑपरेटर की ओर से, सोलन निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रधान होने के नाते, मैं माफ़ी मांगूंगा कि ये जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक चालक परिचालक की बात हो, या चाहे वो प्राइवेट बस चला रहा है, चाहे वो HRTC चला रहा है, या कोई भी गाड़ी चला रहा है, इसमें हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। क्योंकि जब हम रोड पे चलते हैं तो कई तरह की बातें होती है, लेकिन हमें अपना आपे से बाहर नहीं आना है। और दूसरी बात ये है कि उसके लिए प्रशासन है, हम वहाँ पर अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के ये जो गुंडा तत्व लोग आ गए हैं, इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे हम सभी निजी बस ऑपरेटर्स की छवि ख़राब होती है, क्योंकि गलत काम एक आदमी करता है और भुगतना हम सभी को पड़ता है।